अभी अभी आई बहुत बड़ी खबर, 65 महिलाओं को मिले उपयोग किए हुए कॉन्डोम। कॉन्डोम के साथ सभी को मिला एक पत्र। महिलाओं के साथ हुई अभद्रता से डर गई सभी औरतें। ऑस्ट्रेलिया में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां मेलबर्न में 65 महिलाओं को इस्तेमाल किए हुए कॉन्डोम के साथ पत्र भेजे गए हैं। इस मामले को लेकर पुलिस तत्काल प्रभाव से छानबीन में जुट गई है। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक पूरे मेलबर्न के कई हिस्सों में एक अनजान शख्स ने डाक के जरिए इन्हें भेजा है। ये सभी घटनाएं पिछले 3 महीने के दौरान हुई। पुलिस अधिकारियों के बयान के अनुसार सभी पीड़ित महिलाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन सभी पीड़ित महिलाओं ने साल 1999 में शहर के किलब्रेडा कॉलेज प्राइवेट गर्ल्स स्कूल से पढ़ाई की। पुलिस का कहना है कि उनके पते वहीं से लिए गए। पुलिस के बयान में बताया गया कि जिन लोगों ने सामग्री की सूचना दी थी उनमें से अधिकांश को संदिग्ध उपयोग की गई वस्तुओं के साथ कई प्राप्त पत्र। पुलिस के अलावा बी साइड सेक्सुअल ऑफेंसेस और चाइल्ड अब्यूज इन्वेस्टिगेशन टीम भी इस मामले की जांच कर रही है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के हेराल्ड सन ने पीड़िता का हवाला देते हुए कहा कि डॉग प्राप्त करने वाली एक महिला को हाथ से लिखे हुए ग्राफिक जैसा एक संदेश पत्र मिला। इसके बाद उसने अपने दोस्तों से संपर्क करने की भी कोशिश की। महिला ने कहा कि जिस रात मुझे पत्र मिला उस रात मुझे नींद नहीं आई, इसने मुझे बहुत डरा दिया। पीड़िता ने कहा कि यह बहुत ही निराशाजनक है कि कुछ महिलाओं को तो 4 पत्र भी मिले हैं। ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने लोगों से इस मामले में कोई भी जानकारी मिलने पर उन्हें देने का आग्रह किया है। पुलिस ने अपील करते हुए कहा कि लोग आगे आएं और अधिकारियों की मदद करें।